हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज अपन फिजिक्स में देखने वाले फिजियो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। देखो, आप पिछले वीडियो में आपने देखा था मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर, तो आज अपन फिजियो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर देखने वाले। और ये क्या करता है, ये अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करता है, क्योंकि लेसन का नाम क्या है, अल्ट्रासोनिक लेसन का नाम है। तो ये फिजियो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करता है। तो किस तरह से करता है वो हम देखने वाले। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सर्किट डायग्राम दिया था, बोला था भाई ये सर्किट डायग्राम है। अब ये वीडियो में भी मैं आपको बोलूँ कि एक अलग से सर्किट डायग्राम बनाना है, तो आप बोलोगे यार सुमेर तू तो मेहनत करा रहे हैं। तो मैं आपको कोई मेहनत विनत नहीं कराऊंगा, बहुत ईजी। ये डायग्राम सीख लिया तो दूसरा सीखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते भाई क्या करना है। ये डायग्राम आपको आता है, इसको टेढ़ा कर दो। यार डायग्राम आपको आता है तो उसको टेढ़ा कर दो। ये क्या करो, ये क्या है, ये इंडक्टर है ना, इसको बाहर निकाल दो, साइड में रख दो। ये जो रॉड है उसको बीच में रख दो, बस उतना सा करना है, बाकी पूरा डायग्राम एज इट इज। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने क्या किया, ये जो इंडक्टर को टेढ़ा किया, इसको बाहर निकाल के साइड में रखा और रॉड को बीच में रख दिया। जैसे आप देख सकते हो इंडक्टर को, बीच वाला इंडक्टर बाहर आ गया, बीच में बैटरी थी, बैटरी को मैंने थोड़ा बड़ा बताया, बाकी ये दोनों इंडक्टर थे, बाकी पूरा सर्किट एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है, समझ रहे हो। तो चलो अभी शुरू करते हैं कि क्या करते हैं। पिछले बार रॉड कौन सा था, फेरोमैग्नेटिक का, मैग्नेट का था, मतलब फेरोमैग्नेटिक मेटल का था, यानी आयन क्या था, हाँ आयन का था। इस बार अपना आयन का रॉड नहीं है, इस बार किसका रॉड है, फिजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का है। फिजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता है अगर आपको नहीं पता, तो हमने एक वीडियो बनाया फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पे बहुत अच्छे से बताया है, तो वो पहले देखो तब आपको ये चीजें समझेगी, ठीक है। तो होता क्या है फिजियो इलेक्ट्रिक में, जैसे मैंने कहा था ये फिजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का डायग्राम है, इसमें क्या होता है, तीन चीजें पॉजिटिव होती है, तीन चीजें नेगेटिव होती है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें इतना ही सही है कि भाई अगर मैं ऊपर, ये छोटा सा क्रिस्टल होता है, अगर मैं उसको प्रेशर दूं ना, तो साइड से है ना, अपने लेफ्ट एंड राइट से, यहां से वो क्या करता है, यहां से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, जिसको आप बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, समझ रहे हो। अगर मैं यहां से प्रेशर करूं तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसी तरह से अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करूं ना, तो यहां पे प्रेशर जनरेट होगा ऊपर से, यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूं तो यहां पे प्रेशर जनरेट होगा। तो वही उसी फंडे को हम यूज करके अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करते हैं। तो आप बोलोगे कैसे, तो चलो बताता हूं। ये देखो हाई टेंशन, ये क्या, हाई टेंशन बैटरी है, तो यहां से मैं फुल वाला क्या पावर भेज रहा हूं, यहां से फुल मैं इलेक्ट्रिसिटी भेज रहा हूं, तो यहां से वो यहां आएगा, ये इंडक्टर है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। बाकी ये सब है कुछ नहीं, ये सब आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए बनाना है, ठीक है। तो ये जो इंडक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी है, यहां से भी इलेक्ट्रिसिटी है, बीच में अपना क्या है, बीच में मेरा क्रिस्टल है। तो क्या हो रहा है पता है, जैसे यहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसमें हो रहा है जनरेट प्रेशर, इस पे क्या जनरेट हो रहा है, प्रेशर। और ये रॉड नहीं है, ये क्रिस्टल का रॉड है, किसका, फिजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का रॉड बनाया हुआ है। तो इस पे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मैं पास करता हूं, तो इसमें क्या प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो जितना इस पे, और ये छोटी मोटी इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा हूं मैं, बहुत सारी दे रहा हूं। तो जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसमें फुल पावर आ रहा है, मतलब क्या प्रेशर आ रहा है, तो ये हड़बड़ा रहा है करके, और यहां हर जगह से टकरा रहा है, इतना स्पीड में वो टकरा रहा है, इतना ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है ना, कि जब वो इससे टकराता है तो यहां से यहां पे आके वेव जनरेट होती है। और ये ऐसी वैसी वेव्स नहीं होती, वो होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये क्या होती है, अल्ट्रासोनिक वेव। तो कब जनरेट होती है मैं ये बताता हूं, जब इसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो इंडक्टर है और ये रॉड की फ्रीक्वेंसी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जब सेम हो जाती है, तब जाके अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होती है। तो पहले अभी अपने को दो ही चीज निकालनी है, क्या निकालना है, अपना ये रॉड है इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और ये जो इंडक्टर है इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बाकी डायग्राम आप बना लो, क्योंकि एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। कैपेसिटर क्या काम करता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसका भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सर्किट डायग्राम हो गया, अब आ जाते मेन, थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा ना, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ रॉड की पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो रॉड की फ्रीक्वेंसी का निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसको कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कैसे दी हुई है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको एन कह सकते हैं हम, इज इक्वल टू के अपॉन टू टी अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन रो, या आप कह सकते हो डेंसिटी। एन स्टैंड फॉर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वाई स्टैंड फॉर यंग मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर यहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इस रॉड पे कुछ ना कुछ प्रेशर आ रहा है, या तो ये रॉड लंबा होगा या ये रॉड छोटा सा छोटा होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रेशर आएगा ना, तो ये रॉड की कुछ तो इलास्टिसिटी होगी, तो उस इलास्टिसिटी को ये रिप्रेजेंट करता है यंग मॉडुलस। ये रो स्टैंड फॉर डेंसिटी, टी इज द थिकनेस ऑफ द रॉड, कि रॉड कितना ज्यादा जाड़ा है, और के इज द ऑर्डर ऑफ द हार्मोनिक इन प्रैक्टिस विद टेक फंडामेंटल हार्मोनिक इन, इतना कुछ नहीं है, के का मतलब सिंपल सा कॉन्स्टेंट, समझ रहे मेरी बात।
तो ये फॉर्मूला याद कर लो, ये उनके मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रॉड की फ्रीक्वेंसी। अब मेरे को उन जो बाजू में इंडक्टर थे उनकी भी तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर यानी वो इंडक्टर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2 pi अंडर रूट ऑफ 1/LC। ये LC स्क्वायर नहीं है, ये LC है। L क्या था, इंडक्टेंस की वैल्यू, C था कैपेसिटर की वैल्यू। तो मैंने क्या बोला था, जब दोनों इक्वल होगी, जब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तब कौन सा जनरेट होगा, अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होगी। तो बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, जब कैपेसिटर की वैल्यू एडजस्ट करते हैं, मतलब जो अपने डायग्राम में कैपेसिटर है बंदा, इसकी वैल्यू एडजस्ट करके मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ और अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट कर सकता हूँ। तो उसी तरह से बस क्या बोला, बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एफ व्हाट इक्वल नेचुरल फ्रीक्वेंसी एन ऑफ द रॉड। तो इन दोनों से ये इक्वल होगा और अपना अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होगी। बट दैट्स इट, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो यार अपने दोस्तों को, जो अपनी तरह लास्ट मोमेंट पे पढ़ते। सब्सक्राइब करो चैनल को, अब तक नहीं किया तो बहुत सारे फिजिक्स के वीडियोस आने वाले। अब ये तो हो गया भाई थियरी पार्ट, समझ गया कॉन्सेप्ट क्या होता क्या है। लेकिन मैं भी जानता हूँ एग्जाम में क्या लिखेंगे, एग्जाम के लिए चाहिए नोट्स भाई। तो इसके नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बनाए, लाल पेन पीली पेन से। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है कि किस तरह से आप हमारे नोट्स ले सकते हो। बस थैंक यू सो मच टू सी द वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।